हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक प्रॉब्लम, जो इस तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इनमें ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम दे रखी है, इनमें से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, 2 sin 2 theta इज इक्वल टू रूट थ्री। जो फर्स्ट है 2 sin 2 theta इज इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है। ये तो सबसे पहले तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ दिया है उसे पूरी तरह से एक तरफ कर दो। तो जैसे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 2 theta इज इक्वल टू रूट थ्री और ये नीचे चला जाएगा तो अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए साइन जो रेशियो है, साइन रूट थ्री अपॉन 2 कहाँ पर होता है, किस डिग्री पर होता है, वो टेबल से चेक कीजिए। तो ये है हमारा टेबल, साइन रूट थ्री अपॉन 2, ये रहा साइन रूट थ्री अपॉन 2 60 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो रूट थ्री अपॉन 2 है, ठीक है। और यहाँ चल रहा है साइन 2 theta, ठीक। अब देखिए यहाँ साइन 2 theta, साइन 60 डिग्री, कंपेयर करें तो साइन और साइन और ये 2 theta इस 60 के बराबर है, ठीक है। या ऐसे कर लीजिए, साइन से साइन हटा दीजिए आप, तो यहाँ बचेगा 2 theta और यहाँ बच रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और अब 2 को नीचे कर दीजिए तो ये हो जाता है थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, ठीक। तो ये आ गया 30 डिग्री, तो जो थीटा है वो 30 डिग्री आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह से सेकेंड करते हैं, तो सेकेंड में क्या है, जो सेकेंड प्रॉब्लम है 2 cos 3 theta इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी यही कीजिए, रेशियो को अलग कर लीजिए तो 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, cos 3 theta इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक। अब देखिए कि 1 अपॉन 2 cos कहाँ होता है टेबल में, तो टेबल में चेक करें cos 1 अपॉन 2 किस पर आ रहा है, 60 डिग्री पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, हो जाएगा cos 3 theta इज इक्वल टू, और इस पूरे की जगह 1 अपॉन 2 की जगह हमने लिख दिया cos 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, cos से cos हटा दीजिए तो यहाँ बचता है 3 theta इज इक्वल टू 60 डिग्री, 3 को नीचे कर दीजिए तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ओवर 3, 3 2 जा मीन 20 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, ये आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, तो जो थर्ड पार्ट है √3 tan 2 theta - 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना होता है, tan 2 थीटा को तो यहाँ रखेंगे, बाकी सब उधर कर दीजिए। तो पहले तो 3 उधर कर दिया, तो ये हो गया √3 tan 2 theta इज इक्वल टू, ये इधर गया तो प्लस का 3, फिर √3 जो है उसको नीचे कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan 2 theta इज इक्वल टू 3 अपॉन और √3 इसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ √3 नीचे, पहले तो रेशनलाइज कीजिए इसे, तो यहाँ हम रेशनलाइज करें तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जैसे हम रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan 2 theta इज इक्वल टू 3 अपॉन √3 और नीचे √3 को यहाँ पर भी √3 अपॉन √3, ठीक है। तो अब क्या आ गया, 3 into √3, ये बन जाता है tan 2 theta इज इक्वल टू 3 into √3, 3 √3 अपॉन √3 into √3 होता है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब आ गया हमारे पास tan 2 theta इज इक्वल टू √3। अब हम टेबल का यूज करें, तो टेबल को ऑब्जर्व करें तो tan √3 कहाँ है, tan पर √3 ये रहा 30 डिग्री पर, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू, और इसकी जगह हमने लिख लिया √3 की जगह tan 30 डिग्री, ठीक है। और अब tan से tan कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या बचा, 2 theta इज इक्वल टू 30 डिग्री,
जब आप 2 को नीचे करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 2, और इससे ये कैंसिल हो गया 15 टाइम, तो जो थीटा की वैल्यू है ये आ गई 15 डिग्री, तो ये आंसर आ गया। तो होपफुली आपको तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।